आज जो आप लोगों को हमने बुलाया, आज देश के 125 करोड़ लोगों में से 115 करोड़ के आसपास लोग डरे हुए, घबराए हुए हैं। उनमें असुरक्षा की भावना बहुत तेजी से बढ़ रही है। देश के अंदर लगभग 35 करोड़ एससी और एसटी के लोग हैं, 20 करोड़ लोग माइनॉरिटी के हैं, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन आदि, और 60 करोड़ के लोग अति पिछड़ा वर्ग के हैं। लेकिन जब से केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से लगातार एससी एसटी और माइनॉरिटी के लोगों को ये एहसास कराने की कोशिश की जा रही है कि हम अपने इस देश में सुरक्षित नहीं हैं। देश की शासन व्यवस्था, देश की कानून व्यवस्था हमें सुरक्षा नहीं दे सकती और हमारी जान को खतरा है। एक के बाद एक, कभी क्रिश्चियंस पर हमले, कभी मुस्लिम पर हमले, कभी सिख पर हमले, कभी दलितों पर हमले और कभी आदिवासियों पर हमले। पिछले कुछ सालों में लगातार मनुवादी व्यवस्था के लोग देश के 115 करोड़ लोगों को ये एहसास करा रहे हैं कि देश में उनको कोई बचाने वाला नहीं है, उनके लिए कोई रक्षा सुरक्षा की संभावना नहीं है। अभी पीछे जो वर्षों के संघर्ष के बाद, जो 4000 साल की गुलामी से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश के तमाम दलितों, पिछड़ों को आज़ादी दिलाई, संविधान के माध्यम से सभी मानवीय अधिकार दिलाए, उसके बावजूद भी लगातार उत्पीड़न की घटनाएं जारी थी, जिसकी वजह से सरकार के अंदर, संसद में, राज्य सरकारों में बार बार ये डिमांड उठ रही थी कि एट्रोसिटीज रोकने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए, कोई स्पेशल कानून बनना चाहिए ताकि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को उत्पीड़न से बचाया जा सके। लंबे संघर्ष के बाद संसद के अंदर 1989 में एक कानून पास हुआ, एससी अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इस एक्ट के बनने के बाद शोषणकारी लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर पैदा हुआ, लेकिन दुखद यह था कि जिन दलितों पर जुल्म होता था, आदिवासियों पर जुल्म होता था, जब वो थाने के अंदर मुकदमा दर्ज कराने जाते थे तो पुलिस उनकी सुनवाई करने की बजाय धुतकार के उनको बाहर भगा देती थी, या तो कोई एनजीओ उनकी आवाज उठाए, या वो लोग कोर्ट का सहारा लें, या बड़े पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों पर चक्कर काटें। लंबे संघर्ष के बाद बड़ी मुश्किल से उनका मुकदमा दर्ज होता था और उसमें भी दबंग लोग कुछ दिन के बाद उन पर डरा धमका कर उनको मजबूर करते थे कि वो कोर्ट में बयान ना दे पाए, जबकि कानून के अंदर प्रावधान था कि अगर किसी के साथ अत्याचार होता है और मुकदमा इस एक्ट के अंदर दर्ज होता है तो कंप्लेनेंट को सरकार स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करके देगी मुफ्त में। कंप्लेनेंट को यानी गवाह को सरकार सुरक्षा मुहैया कराएगी, लेकिन उसका उल्टा हुआ, ना तो उनको स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स मिले, ना कंप्लेनेंट को या गवाहों को सुरक्षा मिली, और कंप्लेनेंट्स पर दबाव बना बनाकर
उनको गवाही से रोका गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कन्विक्शन रेट एक सिंगल डिजिट में सीमित हो गया। उसके बाद संसद को ये आवश्यकता महसूस हुई कि इस कानून के बनने के बावजूद भी जुर्म नहीं रुक रहे हैं, लिहाजा इस कानून को सख्त करने की जरूरत है। 2016 में एक अमेंडमेंट आया, 15 में 16 में वो नोटिफाई हुआ, जिसमें सेक्शन 4 में प्रोविजन किया गया कि अगर किसी अधिकारी के पास कोई शोषित जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराता है और वो अधिकारी उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो उस अधिकारी को भी सेक्शन 4 के अंदर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको सजा दी जा सकती है। अभी तो ढंग से वो अमेंडमेंट आके लागू भी नहीं हुआ था। इसी बीच ये महाराष्ट्र वाली घटना हुई जिसमें जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, वो हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट गया, वहाँ भी वो हारा। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर केंद्र सरकार के वकीलों ने और महाराष्ट्र सरकार के वकीलों ने सही तथ्यों को जजेज के सामने नहीं रखा। जो सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच थी, जस्टिस यू ललित और जस्टिस ए के गोयल साहब की, उस कोर्ट के सामने इन वकीलों ने ना तो ये बताया कि ये कानून क्यों बना, इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, और ना ही ये बताया कि कन्विक्शन इतना रेट इतना कम क्यों है, क्यों ऐसे केसों में सजा नहीं हो पा रही है। बल्कि सरकार के ही वकील ने वहां कोर्ट के सामने कहा इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, लिहाजा इसको केवल एक केस के तौर पर ना देखा जाए बल्कि पूरे देश के लेवल पे कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की, जिससे कि किसी भी बेकसूर के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज ना हो पाए। और कोर्ट ने अल्टीमेटली अपना ऑर्डर 20 मार्च को दे दिया। एक तरफ तो वैसे ही अनुसूचित जाति जनजाति के पीड़ित परिवारों की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होती थी, ऊपर से इस जजमेंट के आने के बाद उसमें एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि अगर कोई पुलिस कर्मचारी शिकायत मिलने पर किसी को अरेस्ट करने से पहले, अगर वो एम्प्लॉई है मुलजिम, तो उसको अरेस्ट करने से पहले उसके प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से परमिशन नहीं लेता, और अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति है तो उसको अरेस्ट करने से पहले एसएसपी से परमिशन नहीं लेता, और अगर बिना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किए मुकदमा दर्ज करता है तो ऐसे पुलिस कर्मचारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसको कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। यानी ऐसी व्यवस्था दे दी जिससे भविष्य में चाहे हमारे लोगों के साथ कितना भी जुल्म हो जाए, एट्रोसिटी एक्ट में कोई पुलिस वाला उसमें मुकदमा दर्ज नहीं करेगा। एक्ट तो एक तरह से डाइल्यूट हो गया, बचा क्या? इस जजमेंट से के आते ही पूरे ही समाज में जो असुरक्षा का माहौल बना, तो पूरे समाज ने, अलग अलग संस्थाओं ने भारत बंद का नारा दिया ताकि केंद्र सरकार को कंपेल किया जा सके कि वो रिव्यू पिटीशन फाइल करे और इस व्यवस्था को पहले वाली व्यवस्था में वापस ला सके। इस बंद में पूरे देश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के लोग एकजुट होकर शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने बंद किया। भारत का इतिहास गवाह है, इन जातियों ने जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को फॉलो करती हैं, जो भारत के संविधान को अपने सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ मानती हैं, वो कभी भारतीय संविधान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। वो कभी भी किसी बंद के दौरान सरकारी संपत्ति को नहीं फूंक सकते, क्योंकि वो संपत्ति को अपनी मानते हैं। वो बाबा साहेब के सिद्धांतों से भटक कर कभी गलत रास्ते पर चल ही नहीं सकते। ऐसे में उस बंद के दौरान मनुवादी लोगों ने उस बंद में बीच में घुसकर आगजनी की, छतों पर से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले लोगों के ऊपर पत्थर फेंके, और ये लोग जो मरे, 15 से ज़्यादा लोग मरे अब तक, वो केवल पुलिस की गोली से नहीं मरे बल्कि शोषण करने वाले लोगों ने भी
हमारे लोगों को गोली से मारा। राजा चौहान जी, इसमें एक एग्जांपल ग्वालियर के राजा चौहान जिसकी फोटो गोली चलाते वारी है, उसने वहाँ हमारे एक जाटो बच्चे को जो चाय की दुकान थी जिसकी, उसको मौत के घाट उतार दिया। अभी रवीश की रिपोर्ट आई कल NDTV पर, उसने भी बताया, परसों आई थी, उसने भी बताया कि आक्रमण करने वाले दूसरे लोग थे जो आइडेंटिफाई किए हैं। मीडिया चैनल्स ने काफ़ी लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो लोग दलित नहीं थे लेकिन जानबूझ के उसके अंदर घुस के उन्होंने पथराव किया, मारपीट की, आगजनी की और इस पूरे आंदोलन को सबोटेज करने के लिए, इस पूरे आंदोलन को बर्बाद करने के लिए जानबूझ के गलत नीयत से उन्होंने ये सारे घटनाक्रम को अंजाम दिया। और इसके बाद हमारे बेकसूर लोगों को घरों से उठा उठा कर कई हजार हमारे युवाओं को पुलिस थाने में ले जाकर, न केवल पुलिस ने बल्कि वहाँ BJP के गुंडों को बुलाकर हमारे उन बच्चों की पिटाई, जानवर की तरह पिटाई की गई और उसके बाद हमारे हजारों बच्चों को जेल में डाल दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये केंद्र की सरकार भारत के संविधान में विश्वास रखती है? नहीं। चाहे कोर्ट हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे MLA हो, चाहे MP हो, जब चुन के हम लोग आते हैं भारत के संविधान की शपथ लेते हैं कि हम बिना पूर्वाग्रह के, बिना किसी पक्षपात के भारत के संविधान के हिसाब से निर्णय लेंगे, लेकिन क्या वास्तव में हमारी सरकारें भारत के संविधान में आस्था रखती हैं? क्या केंद्र में बैठी हुई सरकार क्या वास्तव में न्यायपूर्ण कार्रवाई कर रही है? क्या वो हमारे देश के लोगों को सुरक्षित रखने में सक्षम है? क्या ये सच नहीं उसने हमारे बेकसूर बच्चों को झूठे केस में फंसा दिया? क्या ये सच नहीं 10-10 दिन तक राजस्थान में गुजर समाज ने आरक्षण के आंदोलन में रेलों को रोके रखा, यातायात को ठप रखा? क्या ये सच नहीं हरियाणा के अंदर जाटों ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर 10 दिन से भी ज़्यादा समय तक रेल रोके, यातायात को ठप रखा, सरकारी संपत्ति में आग लगाई? लेकिन आज राजस्थान में BJP की सरकार है, हरियाणा में BJP की सरकार है, UP में BJP की सरकार है, मध्य प्रदेश में BJP की सरकार है, हमारे बच्चों को केवल वहीं वहीं मौत के घाट उतारा गया जहां जहां BJP की सरकारें हैं। और उन सरकारों ने जाटों पे जो केस थे वो वापस ले लिए, गुजरों पे जो केस थे वो वापस ले लिए, UP में जितने केस BJP के कार्यकर्ताओं पे वो वापस ले लिए और हमारे बेकसूर बच्चों के झूठे केस बनाकर जेलों में डाल दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये न्याय है? क्या भारत का संविधान सुरक्षित है? क्या हम इस तरीके से अपने देश को एकजुट रख पाएंगे? क्या हम अपने देश को सुरक्षित रख पाएंगे? हमारे देश में मिसिज जाकिया के पति जो सांसद थे कांग्रेस से, गुजरात के दंगों के दौरान उनको मौत के घाट उतार दिया गया। हमारे देश में उड़ीसा के अंदर कंधमाल में स्टांस और उनके दो बच्चों को दारा सिंह ने, जो शायद बजरंग दल से थे, उन्होंने उनको जिंदा जला दिया। और हमारे देश में इस 2 तारीख के बंद के बाद अगले दिन राजस्थान के अंदर जहां BJP की सरकार है वहां एक पूर्व कांग्रेस के जो मंत्री रहे और प्रेजेंट में एक जो BJP की MLA है उनके घरों में आग लगा दी गई पुलिस के संरक्षण में, पुलिस की मौजूदगी में। क्या इससे सुरक्षा का माहौल बनेगा? क्या इससे देश एकजुट रहेगा? क्या 10 करोड़ लोग, इस देश के 115 करोड़ लोगों को बार बार असुरक्षा की भावना पैदा करेंगे? क्या वो बार बार अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को ये एहसास कराएंगे कि ये लोग अछूत हैं, हिंदू नहीं हैं? देश की मान मर्यादा का सवाल है, देश की एकजुटता, अखंडता, एकता व अखंडता का सवाल है। आज भारत खतरे में है, भारत की संप्रभुता खतरे में है, भारत की एकता व अखंडता खतरे में है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, भारत को बचा लो। आप जिन गरीब बच्चों पर मुकदमे दर्ज किए उनको तुरंत वापस लो, उनको तुरंत रिलीज करो। जिन लोगों ने हमारे बच्चों को गोली से मारा,
आगजनी की, हमारे लोगों को पथराव किया, ऐसे लोगों को तुरंत आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट करो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करो, स्पीडी ट्रायल करो, स्पेशल कोर्ट बनाओ। वरना अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये असुरक्षा का बोध हमारे समाज के लोगों को, कहीं इसी तरह की भावना अगर उनके अंदर बनती चली गई, असुरक्षा की भावना, कहीं वो गलत रास्ते पर ना चले जाएं, इसका हमें डर है। हम लोग बाबा साहेब के सिपाही हैं, देश के संविधान में आस्था रखते हैं, हम नहीं चाहते कि कुछ देश के साथ गलत हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि केपी चौधरी साहब, हमारे जो ऑल इंडिया एसएसटी ऑर्गेनाइजेशंस के जो का जो कॉन्फेडरेशन है उसके सेक्रेटरी जनरल हैं, वो दो या पहले मेरे से क्वेश्चन कर लें, फिर वो दो बात रखेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि ये सुनियोजित था, प्री प्लान था, और जितने मैसिव स्केल पे ये हुआ, इट इज नॉट पॉसिबल कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो सकता है। और आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी लगातार कि ये भाजपा और जो कांग्रेस और जो बीएसपी है उसने इस तरह की चीजें करवाई है फॉर पॉलिटिकल गेन। तो इसमें कितनी सच्चाई आप पाते हैं, और जो मीडिया ने जो जिस तरह का इसको पेश किया है जिस तरह से, उसके बारे में क्या टिप्पणी करना है? पूरे देश का आंकड़े उठा के देख लो, फुटेज सबके पास है, उठा के देख लो, उसके अंदर एक आध जगह को छोड़ दे तो कहीं भी कांग्रेस या बीएसपी के कार्यकर्ता नजर आ जाएं। पूरा का पूरा ये आंदोलन अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने, उनके जितने भी संगठन चल रहे हैं उन्होंने, और जितनी भी जातियां छोटी छोटी जातियों में विभक्त समाज, सब ने मिल के एकजुट होकर इस आंदोलन को इसलिए लड़ा क्योंकि ये उनकी संप्रभुता का सवाल था, ये उनकी मान मर्यादा का सवाल था, ये उनकी असुरक्षा का बोध था जो उन्हें सड़कों पर ले आया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर गोल जरूर है, लेकिन अल्टीमेटली संसद किस लिए है? कानून बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, वो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट प्रेसिडेंट बन जाती है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कानून का रूप ले लेती है, लेकिन तीनों विधायिका अलग है, न्यायपालिका अलग है, कार्यपालिका अलग, तीनों इंडिपेंडेंट है, और विधानपालिका द्वारा बनाए कानून को न्यायालय तब तक नहीं बदल सकता जब तक कि वो संविधान विरोधी ना हो। एक्चुअली बीजेपी आरएसएस का असली कल्चर ही है, वो मनुवादी व्यवस्था को वापस लाना चाहते हैं, इसलिए उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात हमेशा रहती है कि ये संविधान डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो अनुसूचित जाति के से थे उनका बनाया हुआ है, तो वो उनको कचोटती रहती है, उसको बदलने का उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आपको पहले ही अवगत करा दिया था कि लोकतंत्र खतरे में है, और इस तरीके से खतरे में है, एक तरफ तो ये गवर्नमेंट ये कहती है कि ये साजिश के तहत ये लोगों ने इस तरह का धरना प्रदर्शन करा है, फिर गवर्नमेंट पिटीशन लेके जाती है कोर्ट के अंदर, तो इससे क्या मानना है, क्या कि गवर्नमेंट एक तरफ कहती है कि ये गाल नहीं, ये गाल दूसरा काम कर दो? नहीं, एक्चुअली बात यह कि ये 4000 साल की जो गुलामी है, इस गुलामी के बाद जो आज़ादी मिली है, उसके बाद जो जगह जगह हमले हुए, जो उत्पीड़न हुए, इस कानून को अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अपने लिए एक सुरक्षा का कवच समझते थे, जैसे ही ये सुरक्षा का कवच तोड़ने का काम कोर्ट के माध्यम से केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के वकीलों के सहमति से बना, उसके बाद से जो असुरक्षा का वातावरण पैदा हुआ जिसने लोगों को रोड पे सड़कों पे निकलने के लिए मजबूर कर दिया। गौतम जी, आप अधिवक्ता भी हैं और मंत्री भी हैं, एक आठ जो एफआईआर है, कुछ एफआईआर के अंदर क्या है, 8 बजे की घटना दिखा रहे हैं और लड़कों को गिरफ्तार कहीं दूसरी जगह किया जा रहा है, जो पुलिस का रवैया है 8 बजे की घटना नहीं, एक्चुअली पुलिस का रवैया कुचलने का है, झूठे मुकदमे बनाओ, इनके युवाओं को अरेस्ट करो, जेलों में डालो ताकि ये लोग डर जाएं, ताकि दोबारा कभी भी इस तरह ये लोग अपने हक के लिए रोड पर ना उतर पाएं। लेकिन मैं आगाह कर देना चाहता हूं केंद्र की सरकार को, सब दूसरा, सभी जहां राज्य हैं वहां बीजेपी राज्य बीजेपी सरकार चल रही है, एक दिल्ली को छोड़कर इस तरीके की मतलब
ये बना है, दिल्ली में कहीं भी पुलिस ने नहीं किया, और अन्य जहाँ पे बीजेपी शासन है वहाँ सब जगह एफ आई आर हुई है। ये मुकदमे या ये हत्याएं ये केवल और केवल बीजेपी शासित प्रदेशों में हुई है, और बीजेपी हमारे लोगों को कुचलना चाहती है, डराना चाहती है, और बीजेपी इस तरह का कार्य करके आग में घी डालने का काम कर रही है। इस आग को या तो केंद्र की सरकार रोक ले, और अगर इसी तरह की आग में घी डालती रही, झूठे केस बना के हमारे युवाओं को जेल में डालती रही, तो मैं समझता हूँ ये बहुत दुखदायी स्थिति होगी हमारे देश के लिए। हम न्याय पसंद लोग हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे देश के लिए किसी प्रकार का खतरा हो, लेकिन अगर इस तरह देश को, समाज को जातियों में विभक्त करके, इस तरह उनका उत्पीड़न करके ये स्थिति पैदा की जाएगी तो निसंदेह बहुत खतरनाक स्थिति होगी, इससे बचना चाहिए। सर, जिन लड़कों को मारा गया है, जिन लड़कों को गोली मारी गई है, उनके प्रति आपकी सरकार और समाज का क्या योगदान है? हमारी सरकार तो दिल्ली में है, लेकिन मैं सरकार के मंत्री की हैसियत से नहीं, एक समाज के आंदोलनकारी भीम सिपाही की हैसियत से बोल रहा हूँ कि हम अपने लोगों की हर संभव मदद करेंगे, और हम भारत सरकार को कन्विंस करेंगे कि वो इन मुकदमों को तुरंत वापस ले, हमारे बेकसूर बच्चों को तुरंत छोड़े, और जिन्होंने जुल्म किया है उनको तुरंत अरेस्ट करें, उनको उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हों, उनको सज़ा मिले, ताकि लोगों के अंदर कानून व्यवस्था में विश्वास पैदा हो, न्याय व्यवस्था में विश्वास पैदा हो, और भारत एक मजबूत और सशक्त देश बने। शुक्रिया। एक्चुअली हमने एक मामले में करने की कोशिश की जो एलजी से आज तक नहीं मिल पाया। एक सेना के सिपाही ने सैनिकों के मुद्दे को लेकर, उनका जो मिलता है पेंशन उसको लेकर जो आंदोलन कर रहे थे सैनिक, उस आंदोलन में एक सैनिक ने, आपको पता है, अपनी जान दे दी, जिसको 1 करोड़ का मुआवजा देने की बात दिल्ली की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, और उसको एलजी ने आज तक भी अप्रूव नहीं किया। तो ऐसी कोई घोषणा करके हम हास्य का पात्र नहीं बनना चाहते। धन्यवाद।